हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। मैं हूं रीना और मैं आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा फेस पैक जो कि स्क्रबर का भी काम करेगा। ये रेमेडी आपके टाइम को भी बचाएगी और आपको इंस्टेंट ग्लो देती है और 100% इफेक्टिव है। आप मुझ पर बिल्कुल भी शक मत करना, ये रेमेडी में आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं होने वाला है, तो आप खुद ट्राई करके देखना। इस रेमेडी को आप नहाने से पहले अप्लाई करें और इसे आप वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली रेमेडी आपको पार्लर के महंगे वाले फेशियल से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं आज की रेमेडी। सबसे पहले आपको लेना है एक कुकुम्बर और कुकुम्बर को कद्दूकस कर लीजिए या फिर उसे ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आधे कुकुम्बर को कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मिल्क की मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जितना शुगर। शुगर आपको पीसना नहीं है, ऐसे ही लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना गेहूं का आटा। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो गाइस, रेडी है ये हमारा स्क्रबर प्लस फेस पैक। आपको इसे बनाकर ज्यादा टाइम तक रखना नहीं है, तुरंत ही इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो शुगर को ऐड किया है, नहीं तो वो इसके साथ घुल जाएगी। तो गाइस, मैं इसे अब नहाने से पहले ही अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सिर्फ 1 बार नॉर्मल वाटर से अपनी स्किन को क्लीन किया है। अब इस फेस पैक को हमें 5 से 10 मिनट तक मसाज करते हुए अप्लाई करना है। मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप चाहे तो इसे नेक एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने बाथ ले ली है, नहा लिया है, मैंने बाल भी वॉश कर लिए हैं और मैंने अपनी स्किन पर कोई मेकअप नहीं किया है। मैंने सिर्फ लगाई है एक बिंदी और लिप ग्लो। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक रेमेडी से कितना अच्छा ग्लो आ सकता है। इस रेमेडी के अंदर हमने जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए थे वो सारे नेचुरल हैं। वो नेचुरली हमारी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं और हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। इस रेमेडी में हमने बिना पीसे ही चीनी मिलाई थी, जो कि हमारे स्किन पर स्क्रबिंग का काम करती है और डीपली हमारे पोर्स को क्लीन करती है और हमारे स्किन के ऊपर जो भी डेड सेल्स होते हैं उसे भी रिमूव करती है। और स्किन के ऊपर मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, जिससे भी स्किन के ऊपर ग्लो आता है। और गेहूं का आटा हमारी स्किन टोन को लाइट एंड ब्राइट बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। और दूध की मलाई से हमारी स्किन सॉफ्ट बनती है, स्मूथ बनती है और उसके ऊपर ग्लो आता है। और कुकुम्बर भी फेस क्लींजिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ऑल ओवर दोस्तों, आज की रेमेडी बहुत ही हेल्दी है हमारी स्किन के लिए और हमारी स्किन पर ग्लो लाने के लिए। तो आई होप दोस्तों, आज की रेमेडी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।